वेलकम बैक टू अवर चैनल अकॉर्नरिस्ट, दिस इज जागृति एंड फ्रेंड्स। आज का जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ नॉर्मल लेबर। एंड नॉर्मल लेबर जो है ये आपका टॉप, ये आपका जो आप UBPSC स्टाफ नर्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो UBPSC स्टाफ नर्स में जो ये OBG सब्जेक्ट है यानी कि ओबस्ट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी जो सब्जेक्ट आता है उसी के सिलेबस से यानी कि UBPSC के सिलेबस से ही ये टॉपिक लिया गया है नॉर्मल लेबर। एंड नॉर्मल लेबर ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके UBPSC जो सिलेबस है आपकी बार का 2023 का, तो उसके जो है सिलेबस से ये टॉपिक लिया गया है, तो ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। सो इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हियर यू कैन सी, क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग नॉर्मल डिलीवरी। सो नॉर्मल डिलीवरी से रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी से रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। सो फीटस इज बोर्न एट टर्म, इट इज़ अ नॉर्मल एंड फीटस प्रेजेंट्स वर्टेक्स ऑनसेट इज स्पॉन्टेनियस। तो ये कौन, मतलब इनमें से कौन से सिम्टम्स हैं जो नॉर्मल लेबर से रिगार्डिंग है। तो इन तीनों जो ऑप्शंस हैं हमारे, फर्स्ट ऑप्शन जो है फीटस इज बोर्न एट टर्म एंड फीटस प्रेजेंट वर्टेक्स पोजिशन एंड ऑनसेट इज स्पॉन्टेनियस। तो यानी कि फीटस जो है वो बोर्न होता है एट टर्म पे और इसका प्रेजेंटेशन होता है नॉर्मल लेबर में वर्टेक्स एंड ये ऑनसेट ऑफ स्पॉन्टेनियस। तो इसलिए तीनों जो स्टेटमेंट हैं रिगार्डिंग नॉर्मल लेबर, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑल ऑफ द अबव रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंट कंटेंट जिससे हम अपने क्वेश्चन को क्लियरफाई कर पाएँ। तो द लेबर फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया, जो नए लेबर है वो फॉलोइंग क्राइटेरिया, ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं ये स्टेटमेंट होते हैं, यानी कि ये जो सब हैं ये नॉर्मल लेबर के रिगार्डिंग हैं। तो नॉर्मल लेबर में क्या होता है, जैसे नॉर्मल लेबर कहते हैं तो नॉर्मल लेबर जो होता है स्पॉन्टेनियस ऑनसेट एट टर्म, यानी कि टर्म पे जो बेबी बॉर्न होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है एंड टर्म पे होता है, यानी कि जो टर्म पीरियड होता है उस पे ही जो है बेबी जो है बॉर्न होता है, बिफोर टर्म नहीं एंड आफ्टर टर्म पीरियड नहीं, टर्म पीरियड पे जो फीटस जो है एक्सपेल आउट होता है दैट इज़ नॉर्मल लेबर। एंड विद सिफेलिक प्रेजेंटेशन, उसका प्रेजेंटेशन कैसा होता है, उसका सिफेलिक प्रेजेंटेशन होता है टर्म पे होता है एंड प्रेजेंटेशन जो होता है हेड ऑफ द फीटस इन एनी पोजिशन, यानी कि कोई भी पोजिशन में हेड ही प्रेजेंटेशन होगा। विदाउट प्रोलोंगेशन, यानी कि लेबर के दौरान कोई प्रोलोंगेशन नहीं होगा, कोई ज़्यादा ड्यूरेशन बढ़ेगा नहीं, जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है एक नॉर्मल लेबर का वही रहना चाहिए। एंड नेचुरल टर्मिनेशन भी मिनिमम लेग, और नेचुरल टर्मिनेशन होना चाहिए, कोई भी कम से कम हेल्प के द्वारा नेचुरल टर्मिनेशन होना चाहिए विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो मदर और फीटस को। ये सब जो है ये सब लेबर जो नॉर्मल लेबर हैं, नॉर्मल लेबर जो है ऐसे सिम्टम्स होते हैं, स्पॉन्टेनियस होता है, टर्म पे होता है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन होता है, विदाउट प्रोलोंगेशन होता है, मिनिमम हेल्प होता है, नेचुरल टर्मिनेशन होता है और बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के मदर एंड फीटस किसी भी कोई कॉम्प्लिकेशन के बिना ये डिलीवरी होती है, तो उसे नॉर्मल लेबर कहते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में भी यही था कि फीटस जो है टर्म पे होता है एंड वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, तो इसलिए हमारा ऑल ऑफ द ऑप्शन सही रहेगा बिकॉज पूछा है बीच स्टेटमेंट। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है नॉर्मल डिलीवरी से रिगार्डिंग, तो इसलिए 4 हमारा ऑप्शन सही रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर यू कैन सी द साइन ऑफ द ट्रू लेबर इज, तो ट्रू लेबर का साइन पूछा है, क्या पूछा है, ट्रू लेबर का साइन, यानी कि लेबर जो इसमें ट्रू लेबर फॉल्स लेबर होता है, तो ट्रू लेबर का फॉल्स ट्रू लेबर का जो है साइन पूछा है। तो ट्रू लेबर का साइन क्या है, म्यूकस प्लग इज एक्सपेल्ड फ्रॉम सर्विक्स या फिर स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन अगर या फिर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आर रेगुलर एंड इफेक्टिव या फिर फीटस ड्रॉप इनटू ब्रिम पेल्विस।
तो ट्रू लेवल से रिगार्डिंग स्टेटमेंट कौन सा सही है? तो ये हमारा ट्रू रिगार्डिंग से, यानी कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आर रेगुलर एंड इफेक्टिव। ट्रू लेवल में क्या होता है कि जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, यूट्राइन जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो रेगुलर होते हैं एंड वो इफेक्टिव होते हैं। रेगुलर होते हैं एंड इफेक्टिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, दैट इज़ ट्रू लेवल। सो हियर यू कैन सी फीचर्स ऑफ ट्रू लेवल पेन। ट्रू लेवल ऑफ पेन फीचर्स ऑफ ट्रू लेवर लेवर पेन आर, तो इसमें ट्रू लेवर पेन, ट्रू लेवर का पेन, ट्रू लेवर के फीचर्स बताए गए हैं। तो ट्रू लेवर के फीचर्स पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं एट रेगुलर इंटरवल। ट्रू लेवर में क्या होता है, पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं और रेगुलर इंटरवल पे होते हैं, यानी कि रेगुलर इंटरवल एक इंटरवल है, एक टाइम पीरियड के दौरान जो है रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस होना, दैट इज़ रेगुलर इंटरवल। तो पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हो गए रेगुलर इंटरवल पे होंगे एंड सुप्रा प्यूबिकल एब्डोमिनल पेन होगा। इंटेंसिटी और सीवियरिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ पेन जो है इंक्रीज होना होगा, यानी कि पेन का जो ड्यूरेशन है, सीवियरिटी है एंड इंटेंसिटी है वो इंक्रीज होगा एज लेवल प्रोग्रेस। सो सर्वाइकल म्यूकस विद ब्लड ब्लड, और जो है इसमें सो क्या होता है, सो जो होता है वो सर्वाइकल म्यूकस विद ब्लड, यानी कि ब्लड जो है वो म्यूकस, सर्वाइकल म्यूकस के साथ प्रेजेंट होना, दैट इज सो। तो सो प्रेजेंट होगा इन द ट्रू लेवर एंड इफेसमेंट एंड सर्वाइकल डायलिटेशन प्रेजेंट होगा। एंड इफेसमेंट क्या होता है, जो सर्विक्स होती है, सर्विक्स का इफेसमेंट होना, यानी कि जैसे जैसे डायलिटेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे डायलिटेशन बढ़ेगा वैसे वैसे इफेसमेंट भी क्या होगा, इफेसमेंट जो होता है वो ऐसे इफेसमेंट। तो इफेसमेंट एंड डायलिटेशन प्रेजेंट होगा एंड फॉर्मेशन ऑफ वेग ऑफ मेम्ब्रेन, और वेग ऑफ मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा। तो ये सब ट्रू लेवर पेन में होता है, क्या होता है, पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। ट्रू लेवर पेन में इंटेंसिटी सीवियरिटी ड्यूरेशन बढ़ता है, सो प्रेजेंट होता है इफेसमेंट एंड सर्वाइकल डायलिटेशन प्रेजेंट होता है, फॉर्मेशन ऑफ वेग ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। ये सब ट्रू लेवर से रिगार्डिंग फीचर्स सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रू लेवर इज करेक्टराइज बाय। तो ट्रू लेवर जो होता है, ट्रू लेवर जो होता है उसके रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है? तो ट्रू लेवर जो है, ट्रू लेवर में क्या है, हम लोगों ने अभी पढ़े हैं सारे सिम्टम्स, ट्रू लेवर में क्या होता है। तो हम इसका आंसर देखते हैं कि ट्रू लेवर करेक्टराइज्ड बाय इफेसमेंट एंड डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, यस हम लोगों ने ये पढ़ा था। पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, यस पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस भी होते हैं इन द ट्रू लेवर एंड सुप्रा प्यूबिक डिस्कम्फर्ट एट रेगुलर इंटरवल्स, यस रेगुलर इंटरवल्स पे कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, सुप्रा प्यूबिक डिस्कम्फर्ट भी होता है। इसलिए हमारा जो डी ऑप्शन रहेगा, ऑल ऑफ द अबव, इट इज़ अ राइट, बिकॉज ये तीनों स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रू लेवर सही हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर यू कैन सी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो व्हेन टीचिंग आ 36 वीक प्राइमरी ग्रेविडा, यानी कि जब हम 36 वीक प्राइमरी ग्रेविडा को टीच कर रहे हैं, 36 यहाँ पे याद रखना है, 36 प्राइमरी ग्रेविडा को जब हम टीच कर रहे हैं, साइन ऑफ ट्रू लेवर, उनमें क्या ट्रू लेवर के साइन दिख रहे हैं, द नर्स वुड बी श्योर इंक्लूड। तो नर्स को क्या श्योर करना है, नर्स को क्या श्योर करना है, तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या, व्हेन सी फील पेन इन एब्डोमेन, या व्हेन हर पेन रेडिएट्स फ्रॉम लोअर बैक टू एब्डोमेन, या व्हेन देयर इज लॉस ऑफ म्यूकस प्लग, या व्हेन द एक्सपीरियंस लाइटनिंग। तो हम लोगों ने ट्रू लेवर में पढ़ा था कि क्या प्रेजेंट होता है, सो प्रेजेंट होता है, यानी कि म्यूकस विद ब्लड, सर्वाइकल म्यूकस विद ब्लड प्रेजेंट होता है ट्रू लेवल में। तो इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन सही रहेगा, व्हेन देयर इज लॉस ऑफ म्यूकस ब्लड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम इन कंटेंट देखते हैं जिससे क्वेश्चन को क्लियरफाई कर पाए। सो आ रिलेवर साइन ऑफ इम्पेंडिंग लेवर इज सो, रिलेवर साइन होता है इम्पेंडिंग लेवर ऑफ सो, द अपीयरेंस ऑफ अ स्लाइट अमाउंट ऑफ वजाइनल ब्लड टेंग म्यूकस इज गुड इंडिकेशन। अपीयरेंस यानी कि दिखाई देना, स्लाइट अमाउंट ऑफ वजाइनल ब्लड, थोड़े अमाउंट में वजाइनल ब्लड का दिखाई देना, टेंग म्यूकस इज गुड इंडिकेशन, या गुड इंडिकेशन होता है लीवर का, विल बिगन विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स, यानी कि एक ये रिलेवल साइन होता है शो प्रेजेंट होना, यानी कि शो प्रेजेंट है तो मतलब रिलेवल साइन है, यानी कि ये ट्रू के रिगार्डिंग साइन है।
एंड अप्रियंस ऑफ स्लाइट अमाउंट ऑफ वजाइनल ब्लड टिंग म्यूकस, यानी कि वजाइनल ब्लड होगा म्यूकस के साथ, ये गुड इंडिकेशन होता है लेवर का, यानी कि नॉर्मल लेवर का ये गुड इंडिकेशन है, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी रहेगी तो उसके लिए ये गुड इंडिकेशन होता है। विद बिगिन विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स, ये स्टार्ट कब से होता है, नेक्स्ट 24 आवर्स से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर यू कैन सी विच इज़ अ प्राइमरी साइन ऑफ लेवर, तो प्राइमरी साइन पूछा है लेवर का, क्या पूछा है, प्राइमरी साइन लेवर का, प्राइमरी साइन पूछा है लेवर से रिगार्डिंग प्राइमरी साइन कौन सा है। सो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं लेवर से रिगार्डिंग प्राइमरी साइन, या फिर एब्डोमल कॉन्ट्रैक्शंस हैं लेवर का प्राइमरी साइन, या फिर पुशिंग बाय मदर या इंट्राथोरेसिक प्रेशर। तो प्राइमरी साइन क्या है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, एब्डोमल कॉन्ट्रैक्शन, पुशिंग बाय मदर या फिर इंट्राथोरेसिक प्रेशर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्शंस जब आते हैं तब कुछ श्योर किया जा सकता है कि कैसे कॉन्ट्रैक्शंस हैं, इरेगुलर हैं या रेगुलर हैं, तो वो प्राइमरी साइन होते हैं लेवर के। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इट इज़ अ प्राइमरी साइन ऑफ लेवर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर यू कैन सी नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि द करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ टू लेवर, ये टू लेवर का जो करेक्टरिस्टिक्स फीचर है, यानी कि टू लेवर का करेक्टरिस्टिक्स फीचर पूछा है। इससे करेक्टरिस्टिक्स फीचर टू लेवर के हम लोग ऑलरेडी कंटेंट में देख चुके हैं, तो इसका आंसर आप देंगे खुद इन द कमेंट बॉक्स। सो ट्रू लेवर का फीचर देखते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस नॉट गेटिंग स्ट्रॉन्गर, कॉन्ट्रैक्शंस क्या स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, या पेन फील होगा इन फ्रंट ऑफ ऑफ द एब्डोमेन, या कॉन्ट्रैक्शंस कंटिन्यू होंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ पोस्चर होंगे, या फिर इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस होंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें रहेगा कॉन्ट्रैक्शंस कंटिन्यू इरिस्पेक्टिव ऑफ पोस्चर, ये हमारा ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर यू कैन सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन, इनमें से कौन सा साइन नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ साइन, कौन सा इसमें से साइन नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट, यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है, क्वेश्चन में पूछा है नॉट, तो नॉट अ साइन एक्चुअल लेवर पेन, एक्चुअल लेवर पेन यानी कि एक्चुअल लेवर जो पेन होता है वो उससे रिगार्डिंग कौन सा ट्रू नहीं है, कौन सा साइन जो है वो नहीं है। तो हमारे इसमें ऑप्शंस हैं इसमें प्रोग्रेसिव इफेसमेंट, पेन कंफाइंड टू लोअर एब्डोमेन एंड ग्रोइन, फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर, डायलिटेशन ऑफ इंटरनल ऑस। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्वेश्चन में पूछा था नॉट अ साइन ऑफ एक्चुअल लेवर का कौन सा साइन नहीं है, तो प्रोग्रेसिव इफेसमेंट तो होता है इन द लेवर, एंड यानी कि इफेसमेंट तो बढ़ता है, एंड बैग ऑफ वाटर का फॉर्मेशन भी होता है लेवर पेन के दौरान, एंड डायलिटेशन भी होता है इंटरनल लॉस का। तो नॉट अ साइन, तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही रहेगा इसमें, बिकॉज साइन कौन सा नहीं है ये क्वेश्चन में पूछा है एक्चुअल लेवर का। तो पेन कंफाइंड टू लोअर एब्डोमेन एंड ग्राइन ये नहीं है, बिकॉज पेन जो होता है वो हम लोगों ने कंटेन में देखा था कि पेन कहाँ हो रहा था, सुप्रा एब्डोमेन क्योंकि जो साइन होता है लोअर जो पेन होता है वो सुप्रा पेल्विक एब्डोमेन में होता है, ग्रोइन एरिया में नहीं होता, ना ही लोअर एब्डोमेन में होता है, तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें रहेगा पेन कंफाइंड टू लोअर एब्डोमेन और ग्रोइन। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द फॉलोइंग आर फीचर ऑफ ट्रू लेवर, इनमें से यानी कि ऑल द फॉलोइंग आर फीचर ऑफ ट्रू लेवर, यानी कि इनमें से सभी जो हैं ट्रू लेवर के फीचर हैं किसी एक को छोड़कर। तो ट्रू लेवर के फीचर शॉर्टनेस ऑफ सर्विक्स, या फिर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं ट्रू लेवर में, या फिर नो शो ऑफ लेवर सिम्टम यानी कि लेवर में शो प्रेजेंट नहीं होता है, या फिर ओस प्रोग्रेसिव डायलेटेड। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रू लेवर में जो होता है वो शो प्रेजेंट होता है, और इसमें लिखा है नो शो ऑफ लेवर सिम्टम, तो इसलिए हमारा एक्सेप्ट पूछा है क्वेश्चन में, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी, दैट इज नो शो ऑफ लेवर सिम्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर यू कैन सी फॉल्स लेवर मैनिफेस्टेशन आर एज फॉलोज, फॉल्स लेवर मैनिफेस्टेशन क्या पूछा है, फॉल्स लेवर मैनिफेस्टेशन आर एज फॉलोज,
फॉल्स लेवर का सिम्टम पूछा है इनमें से, तो फॉल्स लेवर से रिगार्डिंग सभी सही हैं, किसी एक को छोड़कर, यानी कि कोई एक ऑप्शन को छोड़कर बाकी फॉल्स लेवर का मैनिफेस्टेशन है। तो एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट या फिर कॉन्ट्रैक्शन इरेगुलर फॉल्स लेवर में क्या नहीं होता है ये पूछा है, तो एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट नहीं होता है, या फिर कॉन्ट्रैक्शंस इरेगुलर होते हैं, या कॉन्ट्रैक्शंस लेजन विद एक्टिविटी और रेस्ट कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं, लेजन और एक्टिविटी कम होती है, या सर्विक्स प्रोग्रेसिव इफेक्ट्स एंड डायलेटेशन। तो क्या है ये ट्रू लेवर का साइन है, सर्विक्स प्रोग्रेसिव डिफेस्ट एंड डायलिटेशन, क्योंकि ट्रू लेवर में क्या होता है, सर्विक्स जो है प्रॉपर जो है वो इफेसमेंट भी होता है ट्रू लेवर में, और डायलिटेशन भी होता है यहाँ। और यहाँ पे पूछा है फॉल्स लेवर का मैनिफेस्टेशन किसी एक को छोड़कर, तो ये ट्रू लेवर का है, तो इसलिए ये तीन ऑप्शंस जो हैं वो फॉल्स लेवर के हैं, इसलिए ये हमारा ऑप्शन सही रहेगा ऑप्शन डी, बिकॉज ये ट्रू लेवर का सिम्टम दिया है, बाकी सब जो हैं वो फॉल्स लेवर के हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज अ नर्स आइडेंटिफाई ट्रू लेवर एज अपोज्ड टू फॉल्स लेवर, हाउ डज अ नर्स, एक नर्स जो है कैसे आइडेंटिफाई करती है ट्रू लेवर को एज अपोज टू फॉल्स लेवर, यानी कि फॉल्स लेवर के अपोज्ड जो है कैसे एज अ नर्स जो है आइडेंटिफाई करती है ट्रू लेवर को, तो कैसे आइडेंटिफाई करती है, क्या वो कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं स्टॉप होते हैं व्हेन क्लाइंट वॉक अराउंड, या कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं इमीडिएटली अगर होते हैं आफ्टर मेम्ब्रेन रप्चर, या सर्वाइकल डायलेटेशन प्रोग्रेसिव होता है, या कॉन्ट्रैक्शंस प्रोग्रेस होते हैं ओनली इन अ साइड लाइन पोजिशन। तो इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या नर्स जो है आइडेंटिफाई करती है ट्रू लेवर एज अ अपोज्ड ऑफ फॉल्स लेवर, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा सी, बिकॉज सर्वाइकल डायलिटेशन प्रोग्रेसिव होता है इन द ट्रू लेवर में, एंड फॉल्स लेवर में सर्वाइकल डायलिटेशन प्रोग्रेस नहीं करता है, एंड ट्रू लेवर में जो है वो सर्वाइकल डायलिटेशन प्रोग्रेस करता है। तो एज अ नर्स जो है आइडेंटिफाई करती है ट्रू लेवर को विद द हेल्प ऑफ द सर्वाइकल डायलिटेशन इन द प्रोग्रेसिव। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्रॉक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में, तो ब्रॉक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस आर, फर्स्ट ऑफ ऑल यही पूछ लिया है कि ब्रॉक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस होते क्या हैं, तो ब्रॉक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं, पेनलेस यूटराइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं ड्यूरिंग डिलीवरी, प्रेगनेंसी के दौरान जो है, प्रेगनेंसी के दौरान पेनलेस यूटराइन कॉन्ट्रैक्शंस होना, पेनलेस कैसे, पेनलेस यूटराइन कॉन्ट्रैक्शंस होना प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसे ब्रॉक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे इंपॉर्टेंट कंटेंट रिलेटेड टू ब्रॉक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस, तो इरेगुलर इनफ्रिक्वेंट स्पास्मोडिक पेनलेस यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन बिना किसी प्लेसमेंट के, बिना किसी सर्वाइकल डायलेटेशन के, एंड फ्रॉम वेरी अर्ली वीक ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि 8 to 10 वीक्स से ही ये कॉन्ट्रैक्शन से स्टार्ट होना, बिना किसी पेन के, बिना किसी प्लेसमेंट के, बिना किसी डायलेटेशन के, इरेगुलर स्पास्मोडिक पेनलेस इनफ्रिक्वेंट कॉन्ट्रैक्शंस होना, जिन्हें क्या कहते हैं, ब्रॉक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं या हिक्स साइन कहते हैं। अल्टीमेटली इट मस्ट बी ट्रू पेनफुल यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन एट टर्म, फिर ये क्या हो जाता है, फिर ये मर्ज हो जाते हैं पेनफुल यूटराइन कॉन्ट्रैक्शंस, यानी कि जैसे जो है टर्म कंडीशन आती है, यानी कि टर्म पीरियड आता है, वैसे ही जो है ये कॉन्ट्रैक्शंस जो होते हैं मर्ज हो जाते हैं किसमें, पेनफुल यूटराइन कॉन्ट्रैक्शंस में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक आपको ब्रॉक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन समझ आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनफ्रिक्वेंट इरेगुलर एंड पेनलेस यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन, कैसे इनफ्रिक्वेंट इरेगुलर पेनलेस कॉन्ट्रैक्शंस फेल्ट ऑन एब्डोमेन पाल्पेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एट टर्म एस, तो ये तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, इनफ्रिक्वेंट इरेगुलर पेनलेस यूटराइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं एब्डोमेन पे, तो वो क्या, तो उन्हें क्या कहते हैं, ब्रॉक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट अपीयरिंग एट अराउंड, तो ब्रॉक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं अराउंड कितने, तो हम लोगों ने देखा था 8 to 10 वीक्स, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या जा रहेगा, 8 वीक, क्या करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा, 8 वीक,
प्रोक्सेमिक्स कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट फ्रॉम 8 वीक. नेक्स्ट क्वेश्चन क्लाइंट हु इज 32 वीक्स. क्लाइंट जो है कैसा है, 32 वीक्स प्रेगनेंट है. क्लाइंट कैसा है, 32 वीक्स प्रेगनेंट है. हैज़ जस्ट बीन एडमिटेड टू द लेबर रूम. क्लाइंट जो है 32 वीक्स प्रेगनेंट है और अभी वो एडमिट हुआ है लेबर रूम में. इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज कंसिडर्ड एबनॉर्मल एंड शुड बी रिपोर्टेड टू फिजिशियन इमीडिएटली. एक क्लाइंट जो है वो 32 वीक्स प्रेगनेंट है, वो जस्ट एडमिट हुआ है लेबर रूम में फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में, तो इनमें से कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जो कंसिडर करेगा एबनॉर्मल लेबर को, जो कि हमें रिपोर्ट करना है फिजिशियन को तुरंत. तो इनमें से कौन सा मैनिफेस्टेशन है जो एबनॉर्मल लेबर को कंसिडर करेगा. तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शंस देखते हैं. एक्सपल्सन ऑफ ब्लड टेंग्ड म्यूकस ब्लड या कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 2 मिनट ड्यूरेशन या फीलिंग ऑफ प्रेशर ऑन पेरिनियम कॉजिंग हर टू बियर डाउन. एक्सपल्सन ऑफ क्लियर फ्लूइड फ्रॉम द वजाइना. तो करेक्ट ऑप्शन हमारे इसमें है कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 2 मिनट ड्यूरेशन. बिकॉज पेशेंट कैसा है, पेशेंट है 32 वीक्स प्रेगनेंट एंड ये लेबर रूम में एडमिट हुआ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में. सो इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कंसिडर है एबनॉर्मल, तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 2 मिनट ड्यूरेशन. नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट कंटेंट कि एट द बिगनिंग ऑफ फर्स्ट स्टेज कॉन्ट्रैक्शन, जैसे ही फर्स्ट स्टेज कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट यानी कि आकर होते हैं एट एवरी 15 to 20 मिनट फॉर अप 30 सेकेंड्स, यानी कि जो स्टार्ट होते हैं फर्स्ट स्टेज कॉन्ट्रैक्शंस वो एवरी 15 to 20 मिनट में स्टार्ट होते हैं 30 सेकेंड तक की. एंड इनका ड्यूरेशन कितना रहता है, इनका ड्यूरेशन रहता है 30 सेकेंड. फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का ड्यूरेशन कितना रहता है, 30 सेकेंड का कॉन्ट्रैक्शन का ड्यूरेशन रहता है 30 सेकेंड का एवरी 15 to 20 मिनट में जो अकर होते हैं. एंड द एंड ऑफ फर्स्ट स्टेज कॉन्ट्रैक्शंस फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस के एंड एट द एंड ऑफ फर्स्ट स्टेज कॉन्ट्रैक्शंस जो अकर होते हैं वो कितना होता है, 2 to 3 मिनट में इंटरवल रहता है 2 to 3 मिनट का, लास्ट फॉर 50 to 60 सेकेंड. यानी कि जो फर्स्ट स्टेज में होते हैं, फर्स्ट स्टेज में जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो 15 to 20 मिनट का इंटरवल रहता है, एवरी 15 to 20 मिनट में आते हैं और 30 सेकेंड तक आते हैं. एंड जो सेकेंड स्टेज का होता है, जो सेकेंड स्टेज जो है, जो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा बताया है फर्स्ट स्टेज का एंड नेक्स्ट फिर लास्ट स्टेज मिनट बताया है, यानी कि फर्स्ट स्टेज में जो कॉन्ट्रैक्शंस होंगे वो 15 to 20 मिनट के रहेंगे, 15 to 20 मिनट्स का जो है एवरी 15 to 20 मिनट में आएंगे कॉन्ट्रैक्शंस एंड 30 सेकेंड तक की रहेंगे, 30 सेकेंड तक की रहेंगे. और जो एंड स्टेज ऑफ फर्स्ट स्टेज कॉन्ट्रैक्शंस वो होंगे 2 to 3 मिनट में एंड जिनका ड्यूरेशन रहेगा 50 to 60 सेकेंड. तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि फर्स्ट स्टेज में जो है 15 to 20 मिनट में, एवरी 15 to 20 मिनट में कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे जो रहेंगे 30 सेकेंड तक, एंड एंड ऑफ फर्स्ट स्टेज कॉन्ट्रैक्शंस जो आएंगे वो 2 to 3 मिनट में आएंगे एंड जो कि जिनका ड्यूरेशन क्या रहेगा, 50 to 60 सेकेंड. एंड नॉट कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ 2 मिनट ड्यूरेशन, एंड 2 मिनट से ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं रहेगा कॉन्ट्रैक्शंस का. तो इसलिए जो है ऑप्शन आर करेक्ट साइन ऑफ नॉर्मल लेबर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लाइंट इज एडमिटेड टू द बर्थिंग. अ क्लाइंट इज़ एडमिटेड टू द बर्थिंग सुइट इन द अर्ली एक्टिव लेबर. एक क्लाइंट जो है वो एडमिट किया गया है बर्थिंग सुइट इन अर्ली एक्टिव लेबर विच नर्सिंग एक्शन टेक प्रायोरिटी ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस. द एडमिशन प्रोसेस के दौरान जो है नर्स को कौन सा एक्शन जो है एज अ प्रायोरिटी, यानी कि प्रायोरिटी बेस पे लेना है जब जो है क्लाइंट एडमिट हुआ बर्थिंग सूट इन द अर्ली एक्टिव लेबर. तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा,
तो हमें प्रायोरिटी पे क्या ऑब्टेनिंग ओवेस्ट्रिकल हिस्ट्री यानी कि ओवेस्ट्रिकल हिस्ट्री को हमें प्रायोरिटी पे रखना है, या फिर असर्टिंग वेदर द मेम्ब्रेन हैव रप्चर्ड यानी कि मेम्ब्रेन रप्चर्ड हुई है या नहीं वो क्लियरफाई करना है, या अस्कल्टेशन ऑफ फीटल हर्ट, फीटल हर्ट को अस्कल्टेट करना है वो हमें प्रायोरिटी पे रखना है, या फिर डिटरमाइनिंग वेन द लास्ट मील वॉज टेकन यानी और या फिर ये डिटरमाइन करना है कि लास्ट मील उसने लिया है या नहीं। तो एज ए नर्स हमें प्रायोरिटी पे क्या रखना है, एज ए नर्स हमें प्रायोरिटी पे रखना है ऑस्कल्टेटिंग द फीटल हार्ट, फीटल हार्ट सुनाई दे रही है या नहीं वो हमें प्रायोरिटी बेस पे लेना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर यू कैन सी नेक्स्ट क्वेश्चन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स यानी कि डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स पे जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है वो क्या है, यानी कि डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स जो है वो किस कौन से फैक्टर की वजह से होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ बैक ऑफ वाटर या पेनफुल यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन या फीटल एक्सिस प्रेशर या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये चारों जो हैं ये तीनों जो ऑप्शंस हैं ऑल द थ्री ऑप्शंस आर राइट फॉर द रिस्पॉन्सिबल ऑफ डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स, बिकॉज डायलिटेशन में यानी कि बैग ऑफ वाटर का फॉर्मेशन भी होता है, पेनफुल यूटराइन कॉन्ट्रैक्शंस भी होते हैं, फीटल एक्सिस प्रेशर, इसलिए तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं रिगार्डिंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। तो ऑप्शन हमारा डी सही रहेगा। एंड ये देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट कंटेंट द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स आर पेनफुल यूटराइन कॉन्ट्रैक्शंस, रिट्रैक्शन, शॉर्टनिंग, पोलैरिटी ऑफ यूट्रस, फॉर्मेशन ऑफ बैक ऑफ वाटर, फीटल एक्सिस प्रेशर एंड विस अटागो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर यू कैन सी ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेवर के दौरान जो है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेवर के दौरान देयर इज सम कोऑर्डिनेशन कुछ जो है सम कोऑर्डिनेशन बिटवीन फंडल कॉन्ट्रैक्शन एंड सर्वाइकल डायलिटेशन कार्ड, तो इसे क्या कहेंगे, पोलैरिटी ऑफ यूट्रस कहेंगे, पोलैरिटी ऑफ द यूट्रस कहेंगे। ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेवर के दौरान जो है देयर इज़ सम कोऑर्डिनेशन कुछ कोऑर्डिनेशन फंडल कॉन्ट्रैक्शन एंड सर्वाइकल डायलिटेशन, तो उसे क्या कहेंगे, पोलैरिटी ऑफ द यूट्रस। हियर यू कैन सी कोऑर्डिनेशन बिटवीन टू पोल ऑफ यूट्रस एग्जाम्पल फंडस एंड सर्विक्स ड्यूरिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इन विच अपर पोल एग्जाम फंडस कॉन्ट्रैक्ट द पॉइंट ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग विच मसल टेंशन इज ग्रेटेस्ट कॉल्ड एक्म and acceleration and declination are concerned with increase and decrease in speed of function. A point of uterine contractions ke point mein during which muscle tension is greatest that is called ACM, and acceleration and deceleration are concerned with increase and decrease in speed of function. नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है नर्स रश्मि, कोई नर्स जो है रश्मि इज अवेयर है दैट द लेवर इज डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी स्टेज, लेवर जो है वो कितने स्टेज में डिवाइड है, तो इसमें हमारा ऑप्शन है 2, 3, 4, या 5। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, 4 स्टेज में जो लेवर होता है डिवाइड होता है, 1st, 2nd, 3rd, and 4th स्टेज होती हैं, यानी कि 4 टोटल स्टेज होती हैं लेवर की। सो हियर यू कैन सी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेवर इज अप टू, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेवर जो है कब से कब तक की रहेगा, फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स यानी कि पहले जो है इसमें जो है डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स होता है, एंड इसमें जो है सर्विक्स का डायलिटेशन जो है फर्स्टली 1 to 3 centimeter का होता है, देन 4 to 10 centimeter का होता है, तो इसलिए इसे फर्स्ट स्टेज को सर्वाइकल ऑफ डायलिटेशन कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेवर इज करेक्टराइज्ड बाय, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेवर को क्या कहते हैं, तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स कहते हैं, क्योंकि इसमें सर्विक्स का डायलिटेशन होता है। द फुली डायलिटेड सर्विक्स ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज इज लेवर इज मेजर्ड, तो हमारा फुली डायलिटेशन कितना होता है, हम लोगों ने पहले देखा है कि 0 to
पहले 0 to 3 सेंटीमीटर होता है, देन 4 to 10 सेंटीमीटर होता है, ये फुली डायलिटेशन होता है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा आएगा 10 सेंटीमीटर, फुली डायलिटेशन पूछा है, दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कंसिस्ट प्रोग्रेसिव सर्वाइकल डायलिटेशन एंड इफेसमेंट विच कम्प्लीटेड वेन द सर्विक्स इज फुली डायलिटेटेड। फुली डायलिटेड कितना होता है, 7 to 10 सेंटीमीटर का होता है। नेक्स्ट है एवरेज ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट ड्यूरेशन यानी कि फर्स्ट स्टेज लेबर का जो एवरेज ड्यूरेशन रहता है प्राइमरी ग्रेविडा में, किसमें, प्राइमरी ग्रेविडा में पूछा है, प्राइमरी ग्रेविडा में पूछा है एवरेज ड्यूरेशन फर्स्ट स्टेज का प्राइमरी ग्रेविडा में रहता है कितना, 12 आवर्स का, 12 आवर्स का रहता है। मल्टी ग्रेविडा में 6 आवर्स का रहता है। सो हियर यू कैन सी, हम देखते हैं इंपॉर्टेंट कंटेंट कि एवरेज ड्यूरेशन जो रहता है वो प्राइमरी ग्रेविडा में रहता है 12 आवर्स एंड मल्टी पैरा में रहता है 6 आवर का। फर्स्ट स्टेज अगेन डिवाइडेड होती है लेटेंट फेज में एंड एक्टिव फेज एंड ट्रांजिशनल फेज में। तो फर्स्ट स्टेज अगेन डिवाइडेड होती है इंटू लेटेंट फेज, एवरेज 8 आवर प्राइमरी ग्रेविडा एंड 5 आवर मल्टी ग्रेविडा, एक्टिव फेज एंड ट्रांजिशनल फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्राइमरी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन प्राइमरी पैरा टाइम पीरियड फॉर द लैटेंट फेज इन पार्टोग्राफ इज अबाउट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, क्वेश्चन पूछा है कि प्राइमरी पैरा टाइम पीरियड, यानी कि प्राइमरी पैरा टाइम पीरियड पूछा है लैटेंट फेज इन पार्टोग्राफ इज अबाउट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, 8 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इन अ प्राइमरी ग्रेविडा द सर्वाइकल डायलिटेशन अकर एट अ मैक्सिमम रेट ऑफ। तो इसमें हम देखते हैं इंपॉर्टेंट कंटेंट कि प्राइमरी ग्रेविडा जो होता है ड्यूरिंग लेटेंट फेज एवरेज रेट जो होता है प्राइमरी ग्रेविडा लेटेंट फेज के दौरान जो एवरेज रेट रहता है सर्वाइकल डायलिटेशन का, दैट इज 0.35 सेंटीमीटर पर आवर इंटू एक्टिव फेज मीन्स आफ्टर 4 सेंटीमीटर डायलिटेशन 1 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से होता है। एंड देयर इज पेंटिंग मिस्टेक इंटू